जिस प्रकार अर्जुन के पास गांडीव नाम का धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास भी एक अद्भुत धनुष था जिसका नाम था विजय। उस विजय धनुष के कारण ही कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता था। एक बार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जब कर्ण के हाथों में उसका विजय धनुष हो तो तीनों लोकों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते हैं। कर्ण का वह विजय धनुष बड़ा ही अद्भुत धनुष था और उसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपति अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत कई गुना बढ़ जाया करती थी। कहते हैं कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। और इस विजय धनुष का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया था। इस विजय धनुष से भगवान शिव ने पाशुपति बाण चलाकर त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था। उसके बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने कई बार इसी विजय धनुष से युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। असुर देवराज इंद्र से उतना नहीं डरते थे जितना उनके इस विजय धनुष से घबराते थे। उसके बहुत समय बाद जब क्षत्रिय राजाओं ने भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि की हत्या कर दी थी तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की कसम खा ली थी। ऐसे समय पर भगवान शिव ने भगवान परशुराम को यह विजय धनुष इंद्रदेव से दिलवाया था। इसी विजय धनुष के होने के कारण ही भगवान परशुराम ने बगैर किसी सेना के अकेले ही 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। एक बार कर्ण के कौशल से प्रसन्न होकर भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष कर्ण को दे दिया था, जबकि कर्ण एक झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और उसी कारण भगवान परशुराम ने उसे युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह बस उसी दिन विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो और वह अर्जुन को मार सके। इसीलिए जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार विजय धनुष अपने हाथों में उठाया था। परंतु दुर्भाग्य से जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था तो वह रथ के पहिये को निकालने के लिए रथ से नीचे उतर आया था और अपना विजय धनुष अपने रथ पर ही भूल आया था। भगवान कृष्ण यह जानते थे कि दोबारा अगर कर्ण ने अपना विजय धनुष हाथ में उठा लिया तो अर्जुन को बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को ललकारने के लिए कहा और अर्जुन के हाथों कर्ण को मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया।